ओके तो हुण आपां नैक्सट ट्रिक बारे गल करदे आं। हुण एक ट्रिक आपां देखी सी वी जे कोई तुहाडे पिछों उड़ा रहे आ, एक ट्रिक आपां देखी सी जे कोई अगों उड़ा रहे आ, हुण जे कोई तुहाडे नाल दे घर तों उड़ा रहे आ तां उहदा किवें कट्टीए, आओ सिखदे आं। मान लो आ देखो तुहाडा हुण आ सी तुहाडा वाला पतंग ते आ सी तुहाडे ओपोनेंट दा पतंग जो कि जिहदा घर तुहाडे जमे ही नाल आ, ठीक आ। तां हुण तुसीं इहदा खिच के कट्टना वा, किवें कट्टीए? देखो उरे वी तुहानूं तीन तरीके दे बंदे मिलणगे। पहले तरीका जिन्हों की मतलब कि इन्ना कुछ हिसाब सूब है नहीं, वह जिम्मे मर्जी कट दो तो उन्होंने एडा कोई चक्कर नहीं, तो उरे तुम्हें की करना अपना पतंग थोड़ा जहा ए वाले पतंग तो अगे बधाना, यू ए लैके जाना। हूँ उरे एक गलती नहीं करनी कि ए खिचते ही नहीं जाना, क्योंकि हवा जी ना वह सामने की आ। हूँ जे तुम बगैर हवा से जाके खिचे जाओगे तो पतंग जोर लेना बंद कर दू, तो जिम्मे ही पतंग से थोड़ी डोर टच होगा तो पतंग कट्टिया जाना। हूँ तुम उरे की करना अपने पतंग ए लैके जाना, तो अपने पतंग सीधा भी नहीं करना, सीधा भी करोगे ना तो भी उप डायरैक्शन चो अपने पतंग की ना डायरैक्शन थोड़ी जी ए घुमा देनी है, ए मतलब कि उधर न थोड़ी ना डायरैक्शन घुमानी है, तो ए खिच के लै जाना, ए खिच के। तो मैं कहना गरंटी आ कि वह लगन सार मतलब टच होंदे सार जाऊगा। जे तुसी उरे आ गलती कर दोगे ए लैके गए ए खिची गए तो भी तुहाडा जाऊ, ए करके ए थोड़ा जिहा सीधा करके खिची गए तो भी तुहाडा जाऊ। बट उरे जे तुसी ए काम कर दोगे ए करके जिहड़ी डायरैक्शन आ पतंग की वह हवा वल कर दोगे, मतलब कि जिधर की हवा वा पतंग की डायरैक्शन उस तरफ कर दोगे तो खिचोगे, तो फिर जो जो ओपोनेंट आ पतंग आराम कट्टिया जाऊ, बड़े ही आराम नाल।